अस्सलामुअलैकुम, एक बार आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। आ गया तू जवान हो बहुत देर से व्लॉग आ रहा है, माजरत क्योंकि समझ नहीं आ रही थी किस चीज़ का व्लॉग बनाऊँ। अभी एकदम जहन में मेरा आया कि इस चीज़ पे बना लेते हैं, व्लॉग बनाते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं है किस चीज़ के बारे में। बाकी चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और फैमिली के साथ शेयर कर दें, वीडियो एंड तक देखें, बाकी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जी आज का ब्लॉग है इधर की ट्रैफिक और ड्राइविंग के हवाले से, कंपैरिजन टू पाकिस्तान इंडिया जो भी आप कहना कहें चाहे आप वो सलाह कर सकते हैं। यूएस वर्सेस मैं पाकिस्तान कर लूँगा, करता हूँ, तो आप भी आई थिंक इससे वो करेंगे ही, मेरे साथ एग्री करेंगे कि भाई ये यूँ ही है जो इधर अमेरिका वगैरह में रहता है। क्योंकि अभी मैं आपको बाहर की सिचुएशन दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब ये देख लें ट्रैफिक इधर चली हुई है, कोई बड़ी है और ट्रैफिक कुछ भी नहीं है। इन्होंने अब ये देखा ट्रक वाले घुसा है ना, इनकी गुंडागर्दी है, इनकी होती लाइन फार राइट है, ये लोग ना पूरी तीनों लेने इसमें मल्ला कर मल के चले गए होंगे भाई हमसे कोई नहीं। अब वो देखे आगे भी ट्रैफिक आ रही है, होगा कुछ भी नहीं, आगे एक कोई ऐसे चवल गाड़ी वाला चला का पीछे लाइन लगाता हुआ, 70 स्पीड लिमिट है ठीक है, इन्होंने चलानी 50 इस तरह। वो अब आप देख रहे हाल चले हुए किस तरह सुनो, ये है दूसरी साइड पे भी यही है कुछ भी नहीं है, वरना हम लोगों ने ट्रैफिक बना कर चलनी है। ये हो गया ठीक है, इनसे ड्राइविंग नहीं होती है, दो चीज़ें और तब इनसे ड्राइविंग नहीं होगी। पहली इधर बारिश स्टार्ट होगी ना, इनके हाथ पैर फूल जाते हैं भाई, ये हमसे गाड़ी इनसे गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, ये लोग ना बाफ़ास्ता हो जाएंगे, 50 स्पीड में 25 पर पहुँच जाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, पीछे लाइन ला कर ये बाढ़ में जाए, जिसको एमरजेंसी में कहीं जाना है बाढ़ में जाओ। जुम्मे वाले दिन भी यही हाल है, ये लोग घर पे जा घरों को जा रहे हैं ना, और जो अब जिसका काम स्टार्ट हुआ, अब जिस तरह हम लोग हम डिलीवरियों पे निकले, हमारा राउंड स्टार्ट हुआ 5 बजे निकल गए, चलो 5:30-6 बजे जितने भी निकल रहे, बका ये लोग घर जा रहे हैं ना, उस जुम्मे की एक्साइटमेंट में इन्होंने गाड़ियां मार बैठी हैं, घर ना खुद घर पहुंचेंगे जल्दी ना दूसरा बंदा अपने काम पर पहुंच जाएगा, ट्रैफिक वो जिधर हम लोग पहुंच रहे हैं तकरीबन घंटा लगा कर, अगर मैं 5:30 भी निकलूँ ना 6:30 बजे भी अपनी पहली लोकेशन पहुंच रहा हूँ ना, इन्होंने ना गाड़ियां मार बैठेंगे उधर, लग रहा है 10-15-20-25 मिनट खड़ा देने हैं, ठीक हो गया। एक और गाड़ी मार बैठे हैं ना अब ठीक है, तो इन्होंने ना देखना हुआ क्या, अब मैं बताता हूँ, मैं जरा फ्लिप कर लूँ मैं कैमरा फिर बताऊँगा। अब जिस तरह ये आने वाली रोड है ना, अगर इधर एक्सीडेंट हुआ हुआ ठीक है, ये क्लियर है, इधर तो नहीं ना कहीं बंद हुए, यहाँ पर कोई पुलिस वाले नहीं खड़े हुए, सॉरी मेरा हाथ आ गया पर मैं एक्सप्लेन आपको करना चाह रहा हूँ ठीक है। तो ये लोग ना इधर ना इधर भी गाड़ियाँ ना ऐसा करके ना उधर देखते हुए चलेंगे, इधर आपने 10-15 स्पीड लिमिट रख लिया, उधर देखते हुए चले हैं, क्या वो किसने मारा है, कड़ा अनिदा सगा शुगर लाने चली, असं भी वेखिए होया कि ये यू करते हुए चलेंगे सारी पीछे ना वो, और जैसे ही आपने वो क्रॉस किया ना, जिस तरह आप ये आगे रेड वाला गाड़ी चली है ना, इधर फासले ना इधर गाड़ी थी पर्लिस रोड पे ठीक है, जैसे ही ये क्रॉस हुआ ना आगे कुछ भी नहीं, आराम से आप फिर चलो स्पीड फिर निकल जाओ। तो वो ये तो फिर ना ड्रा वो यू करते हुए, अच्छा पीछे तक लाइन है, हम तो अपना मजा लेना यूं करते हुए चलेंगे, पीछे लाइन लगी है लगी रहे, हमें कोई नहीं, हमने मजा पूरा करना है उधर देखकर। और दो तीन चीजें जो और है मुझे जिस पे बड़ा गुस्सा चढ़ता शदीद गुस्सा, पहला ये जो बाबे निकलाते हैं वो भी लेफ्ट लेन में घुसा है, उन्होंने चलना नहीं है, वो भी पीछे लेन लगा देंगे। दूसरा ये के जी जो बिना इंडिकेटर के आपके आगे आएगा फने खा बनेगा, भाई जी मैं अनी फेर करा दूंगा आपके आगे आ गया उसने गाड़ी नहीं चलानी,
गुस्सा उस पर भी बड़ा चोट था कि भाई आप इतनी फुर्तियां दिखाकर आप आगे आ गए तो फिर दबाओ आगे, जल्दी से निकालो गाड़ी, निकलो यहाँ से। नहीं जी वो भी फिर वो आप उनको कट कराने के लिए चक्रों में करोगे ना, फिर उनको गुस्सा चढ़ा। दूसरा ये जो लेफ्ट लेन में चले हुए हैं और तेज नहीं चला रहे, आप पीछे लाइन लगाई हुई है, आपको ही उसको दूसरी लेन में आया उसको कट कराने के लिए होगा ना, फिर उन्होंने एम्बेरस उनको होता है ना कि चलो उनको एम्बेरस होगी कि अब ये मेरे आगे आएगा, उसको गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने करना क्या है, जल्दी से इंडिकेटर देकर लेन चेंज कर लेनी है कि भाई जी मेरे आगे नहीं आया, मैं एम्बेरस ना हूँ, ये होता है। और तीस जो आखिरी चीज़ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है ना, चले आए होंगे समझ नहीं आती कर की रहे ने, वो बंदा ना है कि शायद देखे ना दोबारा कोई है नहीं इसके आगे, भी इसने भी बड़ी स्लो करके चला रहा है मेरे वाले पे भी। अब मैं इनके आगे आकर देखूंगा ना आपको दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर ऊपर से ट्रक वाले बीच में आ जाते हैं, वही हाल। वो देखे आगे तक इतना कोई खास नहीं है, पर हम लोग ने गाड़ियां ऐसा चलानी है। देखे वही हुआ जिसका डर था, गाड़ियां मार बैठे, 15 मिनट का स्लो डाउन कर दिया। जिधर मैं पूछ रहा था जल्दी 15 मिनट वो और होंगे मेरे टाइम फिर जाया, और ना कुछ नहीं है वही मार बैठे होंगे और इन्होंने ना गाड़ियां नहीं चलानी। अभी मैं दिखाऊंगा कि चक्कर होता क्या और ये करते फिर क्या है। जब मैं तीसरी चीज आके बताने लगा था ना मुझे गुस्सा जिस चीज पे है, मैं जरा अपनी तरफ कर लूंगा कैमरा, तो मैं कह रहा था कि मुझे ज्यादा किस चीज पे गुस्सा चढ़ता है। अब ये लोग ना एग्जिट लेना आता ठीक है, और एग्जिट राइट साइड पे है ना, इन्होंने लेना है ना, और ये भाई साहब चलेंगे लेफ्ट लेन में ठीक है, फुल लेफ्ट लेन में चले हुए हैं, एग्जिट आ रहा है वो एकदम इनको, हमने तो इधर घुसना था ना, इधर देखेंगे ना उधर शुम करके बीच, वो पीछे से बंदा कोई स्पीड में आ रहा है, गाड़ी मारेंगे वो आपका वो नुकसान हो जाएगा, वो फिर ये मानेंगे भी नहीं गलती। ये सबसे मुझे वो होता है सोए हुए चले एकदम भड़ूल करके, ओ बीच हो गए हारन दो, आगे से रिस्पांस नहीं, आगे से गाली देकर निकल जाएंगे, ये वो है फलाना टपकाना ये बड़ा। अब मैं ये भी दिखाता हूँ, मैं जरा गली पे पाकिस्तानियों के साथ कंपैरिजन करता हूँ उनकी ड्राइविंग का। तो अब हमारे पाकिस्तान में जितने भावे रश हो जो मर्जी हो जे, उन्होंने बस आना है वो गए अपना रास्ता बनाकर निकल निकल गए, इशारों का तो वैसे ही नहीं मानते हम लोग ना, भावे वो चल रहा है नहीं चल रहा हम लोगों ने देखना ही नहीं है, गाड़ी नहीं बस हो गए निकाल के ले गए, भावे गाड़ी आ रही है गाड़ी अपने रोड पे डाल दी है, बस अपनी फॉल्ट नहीं है ठीक है। हम वो रूल्स फॉलो हमने करने नहीं है क्योंकि अपने हमारे अपने रूल्स हैं, हमने गाड़ी चला ली है ना रोड पे डाल दिया ना, बस हम अपने रूल्स हैं हमने उनको ही फॉलो करना है। सबसे गंदी ड्राइविंग तो अब हम कह लें लाहौर हो गए, अपने ये इस्लामाबाद पिंडी वाली साइड पे हो गया जिधर ट्रैफिक बड़ी होती है, पर फिर भी देख लें वो होता लड़ाई होगी है हमारे उधर, देख देखने वाले उधर भी हैं पाकिस्तान में लड़ाई होगी है, तो वैसे भी देखी है वो, हालांकि उतर गए हमारे पाकिस्तानी उतर के जाकर उधर फेंटी लड़ाई होगी है ना, आपका लेना देना नहीं है ना, आप उतर के जाकर आप भी 2-3 तफे मार के आ जाते हो नहीं मुफ्त में, हाथ में खारिश हो रही थी चलो हम भी हाथ बटाएं वो कर आते हैं, पर फिर भी उधर ट्रैफिक इस तरह जाम नहीं होती जिस तरह इधर की हुई होती। अभी देखने में बस ब्रेक हल्का सा थोड़ी सी चली, फिर ब्रेक लग रही है ये हिसाब है। इधर का ये है कि एक्सीडेंट वगैरह का अगर होता है तो पीछे से किसी ने मारी है तो वो उसी की फॉल्ट मानी जाती है क्योंकि लॉ के है, लोगों ने कैमरे वगैरह लगाए हुए ठीक है। साढ़े पाकिस्तान च मारो तो सही, आपने मारी है ना आपने आप निकल ना, ये तेन नजर नहीं आ रहा बस लड़ाई वो नहीं होता, वो फिर भी तो चलाते ना। अब ये देख रहे मैं बता रहा हूँ ना, मैं खड़ा हूँ इधर कोई नहीं है, वो लोग एग्जिट लेकर इधर से नीचे उतर रहे हैं ना, उधर भी रश है। अभी मैं दिखाता हूँ मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, ये एग्जिट लेकर जा रहे हैं कि हम लोग यहाँ से उतर जाएंगे, पर वहां पर भी वो देख लें रश है। अभी मैं आगे जब पहुंचता हूँ ना वहां पे आकर मैं वो भी दिखाता हूँ आपको क्या हिसाब किताब क्या है। अभी इस एक्सीडेंट की वजह से मैं आपको जो बता रहा था ना कि ये चवले मारते हैं, मेरा वापस फार्मेसी का टाइम पहुंचने का था 4:45 ठीक है, इसकी वजह से मैं 4 बजे अभी तक 4 बजे पहुंच रहा हूँ।
ठीक है, और वो एग्जिट जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ जो भी है पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है, जीपीएस उतार रहा है यहाँ पे इधर स्लो डाउन है। अभी मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं हूँ, उधर से भी मैं दूर हूँ, ठीक है। कितना टाइम और बढ़ता है मुझे नहीं पता, 4 का मैंने दे दिया वह टाइम, ये हाल है। चले जी मुबारक हो, जेड़ा 10 से 15 मिनट का फ्लो था स्लो डाउन वो 23 मिनट हो गया, अब मेरा पहुंचने का टाइम 4:23 हो गया। अच्छा मसला ये है, खाना भी खा रहे हैं फिर शाम का राउट भी है, चलो मेरा तो हो जाएगा, मैं खा लूँगा जो भी है। मसला भाई क्या है, मैंने सुबह भी नाश्ता भी नहीं किया हुआ और खाना मेरे पास पड़ा हुआ है, ये चक्कर है। तो देखो क्या होता है, आप कितना और वेट करना पड़ता है, गुस्सा फिर चढ़ता है भाई, आपकी गलती की वजह से दूसरे भी पिसते हैं। फिर ये ले जी, ये इनकी वजह से, ठीक है, पीछे लाइन लगी रही है और अभी भी ये लोग आहिस्ते ही चले रहे हैं। ये गाड़ी ये देख लें, ये हाल हुआ गाड़ी का और हम बस टाइम वेस्ट करते हुए चले हैं। गाड़ी तो चलो जल गई, वो फायर ब्रिगेड वगैरह सारा कुछ चला भी गया, गाड़ी साइड पे है, वो एक पुलिस वाली गाड़ी खड़ी है वो भी शोल्डर पे, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, पीछे लाइन लगा दी, अब सारे आराम से चल पड़े। अभी मैं दिखाता हूँ बंदे के बंदर बांध के चले गए, ये देख लें, अब चल पड़े हैं ना भाई, वो निकलने की देर थी जो मैंने आपको बोला, देखते हुए चलना है हमने, बाढ़ में जाए बकाया दुनिया, हम तो रश बनाते हुए चलेंगे, वही हाल हुआ है। देख लें चल पड़े अब सारे, स्पीड देख ले सारे, अब इस पे आगे इस तरह चले हुए ऊपर नीचे स्पीड करके। अभी आगे भी एक जगह आएगी बहुत, चलो लाइन मर्ज हो रही है कर कर आकर, वहां पे भी मस होता है, पर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वहां पे भी क्या हिसाब किताब है। मैं आप लोगों को मिसाल दे रहा था ना कि वो एकदम आप लोग गाड़ी के आगे आते हैं फिर चलाते नहीं, उसकी जीती जाती मिसाल ये मेरे आगे चली हुई है, मेरे आगे आ गया, ठीक है, अब चला नहीं रहा, आगे कोई है नहीं है, ब्रेक के मारता हुआ चला हुआ है, अब कुछ ना कुछ हुआ होगा पर आगे ये रास्ता जिता चला है, रास्ते जिता हुआ चला हुआ है और आहिस्ता चला रहा है, ऐसे भी लोग टकरते हैं। तो आपको मैं बता रहा था कि वो एक और जगह आएगी जो बताऊंगा जहाँ पे ट्रैफिक मिलती है, वो आ गई है लास्ट है, फिर तो आगे मैंने फिर दूसरी हाईवे पे चढ़ना है, वहाँ पे भी हाल होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो जगह है, ठीक है, 2 माइल है मेरा एग्जिट लेने के लिए, ठीक है, अभी 3 लेने हैं ना, 3 जाएंगी, ठीक है, जिसमें से आगे जाकर 2 होंगी, 2 से 1 हो जाएगी, मर्ज होगी, फिर वो आगे जाकर आगे कनेक्ट होगी अगली हाईवे पे, और उधर पे भी ये लगना फिर लड़ते चलते हैं, हम पहले निकल जाएं, हम इस लेन में हो जाए, हम लेन में हो जाए, वो कराते कराते अभी इधर मुझे 5 मिनट का डिले यहाँ पे है। एक और चीज़ ट्रैफिक अभी इसमें तो यही है ना, गाड़ी चलती है ना, गाड़ी स्पीड पकड़ दी है, पकड़ते पकड़ते इधर इन्होंने ब्रेकें लगानी है, वो फिर ब्रेकें मारो आप, यही चलता रहता है, स्पीड पकड़ो, जैसे ही आपने स्पीड पकड़ी आगे से वो ब्रेकें मारने स्टार्ट हो जाते हैं, आप फिर ब्रेकें मारो, और में फिर ब्रेकों का भी काम खराब होता है, ब्रेकें ही लगती जाती हैं। अभी आप ये देखते जाए, ये ट्रैफिक का हाल है, ये यहाँ पे एक चली गई है, ठीक है, लेफ्ट हो गई, अब एक राइट साइड पे एग्जिट ले रहे हैं, अब ये बीच में 2 होगी, ये अब आगे जाकर ये सेम में जा रही है, ये मर्ज होगी, अब ये देखिए ये भी सोए हुए चले हुए, हमने इधर मुड़ना था, ये अब इधर हो गया, अब वो सीधा चला गया, ऐसे भी लोग मिलते हैं, ठीक है। अभी आप ये देखते रहे, अभी इसका भी है कि मैं इधर आ जाऊँ, अब मैं इधर आकर चले इधर से निकल जाऊँगी तो क्या पता जल्दी निकल जाऊँ, अब देखते जाएगा, वो देखें ट्रैफिक है, ब्रेकें लग रही हैं उसी चक्कर में, फिर कोई ऐसे होते हैं जिन्होंने इधर लेन में इतना होता है, हमारी वाली लेन में होंगे, कोई हमारी वाली से उधर हो रहे होंगे, इधर उधर गेम करते हुए चले होंगे, अब ये 2 लेने आगे जाकर मर्ज हो रही है, अब इधर हम वो करते हुए चले जाते हैं, फिर एक दूसरे का रास्ता भी नहीं देते, जैसे होता है ना कि बस हम ही निकल जाए, दूसरों को नहीं, अभी पीछे से वो 3री लेन से इधर एक ट्रक वाला घुसा है, उससे पीछे और चलाती हुई चली थी, उसको गुस्सा चढ़ा, उसको गालियाँ देते हुए चले, अब उसने तो देखना नहीं ना भाई, वो तो आ गया, अब ये देखते चले, और देख लें सिंगल लेन का आ गया और लिखा भी साइन बोर्ड, अब हम कर
करते चले गए कई, फिर उधर से शोल्डर से भी होकर आ गया, उन पर ज़्यादा गुस्सा चढ़ता भाई, इतनी आप आपको काली आएगी तो आप पहले निकल आओ, फिर वो अगर फंसते हैं ना तो फिर आप साथ वो उनके साथ पहुँच जाओ ना, फिर हंसी भी आती है भाई तुमने क्या पाट लिया। आगे जो चले गए ना इतने दो लाइनें बनाकर, वो उन चावलों की वजह से पीछे फिर लाइन बनती है। अब बाकी ये मेरे साथ ये चला हुआ ना, मेरा ये ब्राइट है, मैं कि मैंने मर्ज करना है। अब उसका ये है कि फुल तो उनके रखा हुआ है, मैं पहुंचाऊँ, मैं हो जाऊँ, इसको पीछे छोड़ वो ऐसे करता हुआ चला हुआ है कि मैं निकल जाऊँ। अब मैंने फिर जोड़ दिया कि भाई मैं अब तो नहीं ना तो रास्ता देने लगा, ऊपर से है बाबा, ये बाबे फिर चलाते भी नहीं है गाड़ियाँ, फिर उनको मस्ती भी सूझी होती है पंगे करने की। अब मेरे बिल्कुल पीछे जोड़ के रखी हुई है, अब अगर ज़्यादा स्पीड अगर कहीं जोर से ब्रेक लग गई है मेरे पीछे फिट होगा, फिर अपनी गलती भी नहीं मानेगा। बाकी मैं यहीं पे वीडियो एंड करने लगा हूँ क्योंकि ये चलनी नहीं है ट्रैफिक, ये यूँ ही होना है, अभी भी 5 मिनट मेरे रहते होंगे इस ट्रैफिक में। होप इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि इधर कंपैरिजन देने के लिए, पाकिस्तान का इतना ज़्यादा दिया नहीं है क्योंकि वो बता दिया कि उनका ड्राइविंग क्या चला लेता है, वो बस ऐसे से करके निकाल लेते हैं, इधर भी ऐसे से करने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड में आगे जाकर देखो तो वही गाड़ी मार के बैठे होते हैं। तो इधर की मैंने ड्राइविंग का आपको बता दिया, तो ये है। बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, आज की वीडियो आपको बताइए कैसी लगी आपको। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह और वीडियोस आ रही हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह, तो आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।